सो टेक फैमिली, आज हम बात करेंगे वीवो T3 लाइट 5G स्मार्टफोन के कैमरा की। इसका कैमरा कैसा होने वाला है, कैसा नहीं होने वाला है, बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हर एक टॉपिक इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो अगर आप नए आए हो, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसे लगी। तो सबसे पहले वीडियो में फ़ोन का ओवरलुक देता हूँ कि मेरे को हाथ में पकड़ा हुआ, होल्ड किया हुआ, यूज़ करता हूँ, कैसा लग रहा है। भाई लाइट वेट है, सेक्सी डिज़ाइन है, दो कलर्स में देखने को मिलेगा, ग्रीन कलर में एंड ब्लैक कलर में। ग्रीन कलर मेरे को ज़्यादा सूट किया था तभी मैंने बाय किया था। वैसे बैक जो है ना वो आपको प्लास्टिक की देखने को मिल जाती है, लेकिन मैट ही ब्लैक होने वाली है, तो फिंगरप्रिंट वगैरह ऐसे छुपने नहीं वाले। कैमरे की सीधी बात करते हैं, ज़्यादा गल्ला नहीं कमाएंगे। अगर कैमरे की बात करूँ तो आपको डुअल कैमरे का देखने को मिल जाता है बैक साइड में सेटअप। फ्रंट कैमरा आपको, सॉरी, जो बैक में ऊपर कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल के साथ देखने को मिलेगा। नीचे वाला कैमरा जो है ये वाला, ये आपको 2 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा, जो कि फालतू का कैमरा होने वाला है, उसका कोई है नहीं। लेकिन 50 मेगापिक्सल के साथ जो कैमरा है, चाहे वो इंडोर है चाहे वो आउटडोर है, वो फोटोज़ वगैरह अच्छी क्लिकआउट करता है। उसके साथ साथ 1080p आपको वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है, 30fps पर आप शूट कर सकते हो। एंड अगर आपको मैं बात करूँ वीडियो रिकॉर्डिंग की, अच्छी शूट करता है, लेकिन जब आप वीडियो शूट करते हो ना, आपको ऐसे लगता है कि भाई डिटेलिंग नहीं ले रहा जब आप वीडियो शूट करते हो, लेकिन जब वो गैलरी में जाते हैं ना, वो हर एक चीज़ डिटेल में देता है आपको, जो कि सच में प्लस पॉइंट है। सेल्फी की बात करते हैं, 8 मेगापिक्सल के साथ आपको सेल्फी देखने को मिल जाती है। तो वीवो का स्मार्टफोन है, ब्यूटी मोड, फिल्टर्स वगैरह, तो कई चीज़ें आपको इसके कैमरे में देखने को मिल जाएगी। पोर्ट्रेट मोड वगैरह भी है, तो पहले ऐसा लगेगा कि पोर्ट्रेट भी अच्छी तरह से नहीं ले रहा, लेकिन जब आप फोटोज़ क्लिकआउट कर देते हो तो फोटो में अच्छी तरह से पोर्ट्रेट ये स्मार्टफोन क्लिकआउट कर लेता है। सेल्फी की बात करूँ तो 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग आप सेल्फी में भी कर सकते हो, वो 30fps पर शूट कर देते हैं, ठीक है। 1080p 30fps पर आप शूट कर सकते हो, अगर आपको रील्स वगैरह बनानी है, यूट्यूब वीडियोज़ बनानी है, बना सकते हो। एंड उसके अलावा अगर इस स्मार्टफोन के प्लस पॉइंट की मैं अपनी ओर से बात करूँ ना, इसमें आपको CPU अच्छा मिल जाता है, मतलब 10-11-12 हज़ार के रेंज में ये स्मार्टफोन मिलेगा। 10-11-12 हज़ार इसीलिए बोल रहा हूँ बिकॉज अमेजोन पे प्राइस फिक्स नहीं होता, ऊपर नीचे जाता रहता है, लेकिन इतने बजट रेंज में आपको MediaTek Dimensity 6300 ऑक्टा कोर CPU देखने को मिल जाता है। अगर आपको हाई सेटिंग या स्टैंडर्ड पे गेमिंग केयर नहीं है, BGM हो गया, कॉल ऑफ ड्यूटी हो गया, तो भैया आप इस स्मार्टफोन पे कर सकते हो। आपको फ्रेम ड्रॉप वगैरह इस स्मार्टफोन में बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलते, जो कि सच में एक प्लस पॉइंट आ जाता है। ये चीज़ आप साथ में ध्यान में रख के चलना। स्मार्टफोन गिरने लगा था, स्मार्टफोन अच्छा होने वाला है। लुक डिज़ाइन वगैरह ऊपर है, कैमरे के अकॉर्डिंग अगर आपको बाय करना, सिर्फ एक कैमरा इसका अच्छा है, जो कि है ये सामने वाला 50 मेगापिक्सल के साथ। ज़्यादा बातें नहीं घुमाऊंगा, ये नहीं बोलूंगा इसमें ये सेंसर है इसमें वो सेंसर है, उससे आपको कोई लेना देना भी नहीं होता, सिर्फ फोटो अच्छी होनी चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया बैक कैमरा आपको अच्छा मिल जाता है, सेल्फी वगैरह इतनी अच्छी नहीं है, एंड 2 मेगापिक्सल का कैमरा फालतू है, 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो 30fps पर। तो ये था भी मेरा कंक्लूजन। अगर आपको बाय करना, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया, जाओ चेकआउट करो, बाय करना चाहते हो कर सकते हो। थैंक यू।